सन्मान्य गुरु रूप सत सुंदरियो गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेट करा पेशतर सनेमर गुरदेव दी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म गुरमत जो गुरु नानक दी देन है ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी सवारी हुई है शिंगारी हुई है। ये धर्म जप ते खड़ा है जाप ते खड़ा है। जप कट दे हो जाप कट दे हो ये कौम कौम नहीं रहिंदी ये धर्म धर्म नहीं रहिंदा। इसकी मूल बुनियाद इसका थम इस दियां जड़ां जप ने जाप ने। जप नू कट दो जाप नू कट दो जितने भी धार्मिक कर्म ने धन गुरु नानक देव दी दृष्टि दे वो कर्म धार्मिक है नहीं नहीं। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। जितने भी धार्मिक कर्म ने जप तो बिना निष्फल समझ ले फिजूल समझ ले व्यर्थ समझ ले इन्हां नू भाग नहीं लगने ते जे भाग लगे भी ते संसारक क्योंकि उन्हां दी कोई बुनियाद नहीं है उन्हां दी कोई जड़ नहीं है। कोई भी धार्मिक कर्म है दान है पुन है रोज दा गुरुद्वारे आवना है कथा कीर्तन दा सुनना है इस तो इलावा लंगर दा बनाना है वंडना है तरह तरह दे होर परोपकार ने उतने चिर तक ये सब सेवा दे ची आ जांदे ने सिमरन दे च नहीं जितने चिर तक जप नहीं जाप नहीं। इस कौम दे च होर किसे चीज दी घाट नहीं है सिर्फ जप दी घाट है सिर्फ जाप दी घाट है जो मैं कुछ सालां तो अनुभव कर रहे हैं बाकी किसी चीज की घाट नहीं। हर कला विच हर गुण विच एक कौम संपन्न है संपूर्ण है पर बुनियादा हिल गई ने जड़ा सुक गई ने। जी जड़ा ही सुक जान तो पत्ते किन्ने दिन तक अपनी हरियावली नु कायम रख सकणगे। बुनियादा ही कमजोर हो जान ये महल कितने दिन तक खड़े रह सकते हैं। जप जाप बुनियाद है मूल है। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। सारे कर्म धर्म दे निष्फल समझ ले अगर जप नहीं है। दान निष्फल है पुन निष्फल है तीर्थां दा रटन निष्फल है तरह तरह की सेवा भी निष्फल है। हर कर्म दे चो हंकार दा जन्म होवेगा कोई निरंकार दा जन्म नहीं होवेगा। तू कर लंगर दी सेवा तू कर दान पुन सब हंकार पैदा होवेगा। मैं हां। जितना मनुख अपने आप नू प्रगट करदा है उस मनुख दे उत्ते विच उतना ही परमात्मा छुप जांदा है। एक एक विचार सूत्र है ध्यान नाल सरवण करना। जितना मनुख अपने आप नू प्रगट करदा है उस मनुख दे अंदर उतना ही परमात्मा छुप जांदा है। या इंज कह लो जितना मनुख प्रगट है उतना ही परमात्मा छुपया होया है। और जितना मनुख दे अंदर परमात्मा प्रगट आउंदा है मनुख दा उतना ही मिट जांदा है। परमात्मा पूरा प्रगट हो गया है मनुख पूरा ही मिट गया खत्म हो गया मनुख नहीं रहा गल ही खत्म हो गई ये मनुख नहीं रहा। इति जब हम होते तब तू नाहीं।
जद मैं भी कुछ सी परमात्मा तू किथे सी, तू कुछ भी नहीं सी, तू कुछ भी नहीं सी। बहुत सारी मनुखां दी दुनिया च परमात्मा की है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुद्वारे आना, दान पुन करना, सेवा करनी, कथा कीर्तन सुनना, जप नहीं है, जाप नहीं है, तो ये सब मैं मैनू जन्म देंगे, तू तू नू जन्म नहीं देंगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, तो जितना मैं हाँ उतना तू नहीं है। तो पता नहीं कितने मनुखां दी दुनिया विच परमात्मा नहीं है, नहीं है। खुलासा तो मैं बाद च करांगा, जो मेरी समझ दे च नहीं वह नहीं है, जो मेरी याद दे च नहीं वह नहीं है। संसार दे च ओही कुछ है जो मेरी समझ दे च है, जगत दे च ओही कुछ है जो मेरी याद दे च है, जो मेरी स्मृति च नहीं, जो मेरी यादां दे च नहीं, नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। जितना अज्ञान है मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, जितना ज्ञान है तू है, तू है, तू है। इस वास्ते कहिंदे संसार अज्ञान ते खड़ा है, निरंकार ज्ञान ते खड़ा है। सिख जगत दिस ते गुरु ही ज्ञान है, परमात्मा भी ज्ञान है, ज्ञान ही भगवान है, ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। होवे कोई कौम ज्ञानी जो है अज्ञानी, लेकिन सिख अज्ञानी नहीं चाहिदा। इसदा ते गुरु ज्ञान, इसदा ते रब ही ज्ञान। क्यों? मैं एक दफा फिर दोहरा दे खुलासा किसी वक्त फिर, जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है, और जो मेरी याद दे च नहीं, नहीं है, है ही नहीं। जो मेरी समझ दे च नहीं आया वह मेरी दुनिया च किस तरह हो सकता है, और जो मेरी याद दे च नहीं आया वह मेरी दुनिया च किस तरह हो सकता है। भावें है पर मेरी समझ च नहीं है तो नहीं है, भावें है पर मेरी याद दे च नहीं है तो नहीं है, नहीं है। इस दुनिया दे च जिन्हां दी दुनिया च परमात्मा है, सैकड़िया च एक नहीं, हजारा च एक नहीं, कोई करोड़ा च एक, बाकिया दी दुनिया च नहीं है। भावे है, नहीं है। कोटन में नानक को नारायण जय चीत चीत, याद दिच सिमरती दिच। ओही कुछ है जो मेरी याद दिच है, ओही कुछ है जो मेरी समझ दिच है, जो मेरी समझ दिच नहीं, नहीं है, जो मेरी याद दिच नहीं है, नहीं है। इत्थे दो घंटे बैठे, मेरी समझ च नहीं है तो गुरु नहीं है, गुस्ताखी माफ, नहीं है परमात्मा। मेरी याद दिच नहीं है तो गुरुद्वारे दिच भी परमात्मा नहीं है, मेरी याद दिच है तो मैं बाजार दिच भी बैठा तो परमात्मा है, ईश्वर है। मेरी समझ दिच नहीं तो मैं गुरुद्वारे च बैठा तां भी गुरु नहीं है, परमात्मा नहीं है। और मेरी समझ दे चाहते मैं अपने घर भी बैठा तो मेरा घर भी गुरुद्वारा बन गया है, क्योंकि मेरी समझ च है, मेरी याद दे च है। तो मुख्तसर में अर्ज करा, सिख जगत, सिख कौम, सिख धर्म जप ते खड़ा है, जाप ते खड़ा है। बदकिस्मती है इस कौम को, सब कुछ है, जप नहीं है, जाप नहीं है। की होया कोई हजारां दे च इक अद जप करदा होया, की होया किधरे लखां दे च इक अद नूं जप दा रस आंदा होया। इह कोई गिणती है कि करोड़ां दे च जप करदा करदा कोई उस दा रूप हो गया होवे? इह तो कोई बहुत वड्डी गिणती नहीं है, इह ते निराशाजनक गल है। बाकी दाने सारे ही मिल जाणगे, सेवा करन वाले बथेरे मिल जाणगे। और मैं अर्ज करां, करोड़ां दा दान करना भी सेवा है, सिमरन नहीं है। मेहनत नाल धन कमाया, दान कीता, सेवा है।
आठ घंटे सेवा करने वाला एक मिनट जप नहीं कर सकेगा, मुश्किल है, औखा है। खुलासा तो मैं थोड़े सामने फिर रखांगा, जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जड़ी रचना निकली अजीम, जो खुदाई कलाम निकलिया, जो खसम दी बाणी निकली, जो ब्रह्म दा ज्ञान निकलिया, उसका नाम है जप। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चेतना तो जड़ी गहराई निकली, जो बोल निकले, जो ज्ञान निकलिया, उसका नाम है जाप। तो इंज कह लो, सिख जगत जप ते खड़ा है, जाप ते खड़ा है, जप कढ़ दो, जाप कढ़ दो, ये कौम कौम नहीं है। ज्यादा मैं हूं ना कुछ आखा, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना हाजमा होंदा है, गल कितनी कोई पचा सकता है। ये भी मैर्ज कर दें, अज तो मैं थोड़ी जिया जाप साहब दियां कुछ पंक्तियां थोड़े सामने रखनियां ने, क्योंकि दो चार दिन तो कुछ उनेंद्रा चल रहा है, तो शरीर इस तरह, तो मैं जाप साहब दियां तो कुछ पंक्तियां। जाप साहब का तीसरा छंद, तीसरा छंद, जाप साहब सारी छंदा की वाणी है। छंद ने चाचरी छंद, भुजंग प्रया छंद, एक अचरी छंद, सब छंद ही छंद ने। शायरी का कविता का अपना एक नमूना है छंद, जैसे उर्दू शायरी दिच किता है, गजल है, नजम है, रुबाई है। जैसे भाई नंदलाल दी बाणी नूं असी कहिंदे आं गजलां ने, गजलां भाई नंदलाल। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अजीम रचना जाप साहब नूं जफरनामे नूं विद्वान कहिंदे ने गजल है, नजम है, ते गजल है, दोवें कठियां ने। किधरे किता है, किधरे रुबाई। इस तरह हिंदी, संस्कृत ते भारती लोकल भाषावां विच जिहड़ी कविता है, उसदी जिहड़ी रूपरेखा है, उहदे च कवित ने, सवैये ने, दोहे ने, सलोक ने, पौड़ियां ने, इस तो अलावा छंद ने और पदे ने। पदे कई तरह के ने, दुपदे, त्रिपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियां, बहुत कुछ ने। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बाणी ज्यादा छंदा दे च है, जबकि गुरु नानक की बहुत सारी बाणी श्लोकां दे च है, पौड़ियां दे च है, या फिर इंज कह लईए पदियां दे च है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ज्यादा बाणी छंदां दे च है, कुछ बाणी सवैयां दे च है, कवितां दे च है, पदियां दे च नहीं है, श्लोकां दे च बहुत घट है। छंद ही छंद ने, सवैये ही सवैये ने। तो जाप साहब का एक छंद जो आरंभ होंदा है, अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है, तेरा कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं, सारा आकार निराकार तो जन्म लेता है, सारा रूप अरूप तो जन्म लेता है, सारा स्वपन, सारी अनूपता उस तो आमदी है जिसका कोई चक्र चिन्ह नहीं। अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है, जिन्हों लेखनी च नहीं लिया सकते, जिदा कोई चित्र नहीं बना सकते। अगर चित्र बना सकते हैं तो वह अलेख नहीं है, लिखा गया, तस्वीर बन गई। अलेख है, लेखनी च नहीं आउंदा, कलम दे च नहीं आउंदा, चाहे वो कलम चित्र बनावे ते चाहे वो कलम कुछ हरफ लिखे, अल्फाज लिखे, ना वो लेखनी च आउंदा है, ना चित्रावली च आउंदा है। अलेख है, अभेख है, कोई देख नहीं उसका,
निर्गुण रूप दे च उसका कोई भेख नहीं, निर्गुण रूप दे च उसका कोई रूप नहीं, पर इस छंद दे चों जो मैं दो सिद्धांतिक नुक्ते लैन लगा उन्हें यह अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है, एक दूसरा अमान है निधान है अनेक है फिर एक है, छंद इससे समाप्त हो जाता है। और मैं शुरू भी इस वास्ते कीता है जिहड़े नहीं पढ़ते जाप साहब उन्हां दे अंदर कोई पढ़न का शौक पैदा हो जाए ते पढ़दियां पढ़दियां जपण का शौक पैदा हो जाए। पहले तो पढ़ना ही है ना, गावो पढ़ो सुनो तुम भाई गुरु पूरे तुम राखे, पहले तो गावना है पढ़ना है ताकि एक दिन जपण का ढंग आ जाए। जपना की ये खुलासा बाद जपण का डंग की ये गल, फिर अमान है निधान है अनेक है फिर एक है, इस छंद का मद रूप अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है, अखरी अर्थ में रखते हैं तू अल्लाह है, तू धुन दे रूप विच शब्दावली दे रूप विच अल्लाह है, वो धुन दे रूप विच की है परमात्मा की है प्रकाश परमात्मा की है शब्द परमात्मा की है पदार्थ परमात्मा दे, इंज कह लो व्याख्या करिए ते फिर तीन रूप बनते हैं, वो पदार्थ दे रूप विच संसार है वो शब्द दे रूप विच गुरु है वो प्रकाश दे रूप विच परमात्मा है, इंज आप सारे जाने बैठे परमात्मा दे अखरी अर्थ ने परम चानना, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है वह शब्द दे रूप च गुरु है वह पदार्थ दे रूप च संसार है, निंदो नाही काहू बात है एक हसम का किया, संसार दे निंदा परमात्मा दे निंदा गुरु दे निंदा परमात्मा दे निंदा परमात्मा दे निंदा परमात्मा दे निंदा है, निंदो नाही काहू बात एक हसम का किया, संसार वेखण दा विषय गुरु सुनन दा विषय परमात्मा समझण दा विषय, इसनु इस तरह लेना है, वेखण दा विषय की है पदार्थ संसार, सुनन दा विषय की है गुरु शब्द, समझण दा विषय की है परमात्मा, समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, सुनना नहीं तो गुरु नहीं, अखा नहीं तो संसार नहीं, देखना नहीं तो संसार नहीं, आम ही कहते ने अखा गईयां ते संसार गया, पर तीन ही रूप उसे देने ते भी मर्ज कर दे, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है ओही शब्द दे रूप च गुरु है ओही पदार्थां दे रूप च संसार है, किधरे परमात्मा अखां दा विषय है फिर किधरे वो कन्नां दा विषय है किधरे वो समझण दा विषय है, समझ दे च नहीं आया तो परमात्मा नहीं, सुनन दी रुचि नहीं पैदा हुई तो गुरु नहीं, वेखना नहीं आया तो संसार कोई नहीं जगत कोई नहीं है ही नहीं, जन्म तो नेत्रहीन मनुख जमदे जिसकी अखां कोई नहीं तुसी मन लोगे उदी दुनिया संसार है नहीं है, एक होर भी मैं अर्ज कर दिया उदी दुनिया ते अंधेरा भी नहीं है, अंधेरे नु वेखण वास्ते भी अखां च रोशनी चाहिए, अंधे नु अंधेरा नहीं दिखाई देंदा, इस चक्कर च ना पैना कि अंधे नु अंधेरा दिखाई देंदा। दास दे नाल इंडिया दे एक दो सज्जन ऐसे भी चलते ने नेत्रहीन ने, नेत्रहीन काफी लंबे समय तो चल रहे दास दे नाल, एक ते कवि है बहुत अच्छा, लेकिन एक दिन मैं स्वाभाविक पूछ लिया अपना ज्ञान वधाण वास्ते अपनी समझ वधाण वास्ते, मैं कहा मित्रा गल मैं दिल दुखावी गल नहीं कर रहा, वाकई तेनू अंधेरा दिखाई देंदा, कहिंदे नहीं अंधेरा की होंदा मैनू नहीं पता, इस चक्कर च ना पैना कि अंधे की दुनिया च अंधेरा है, अंधे की दुनिया च इंज कह लो कुछ भी नहीं है, संसार है नहीं, अंधेरा भी तो संसार का ही रूप है,
रोशनी संसार दा रूप है, अंधेरा भी ते जगत दा रूप है। अगर अंधेरा दिखाई दे सकदा ऐसे मनुख नूं रोशनी दिखाई दे सकदी है, जरूर दिखाई दे सकदी। अंधे नूं किथे अंधेरा दिखाई देंदा है? जिहड़ा आखे मैनूं अंधेरा दिखाई दे रहा है वह अंधा है ही नहीं, उहनूं रोशनी भी दिखाई दे सकदी है। आखिर अंधेरे नूं देखण वास्ते भी ते अखां च रोशनी चाहीदी है। तो मैं अर्ज करां, अंधे दी दुनिया च कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधे दी दुनिया च संसार नहीं है, वेख नहीं सकदा। सुनन दी रुचि नहीं है तो गुरु नहीं है, है ही नहीं। समझण दा साहस नहीं है तो परमात्मा नहीं है, नहीं है। इंज कह लो। इस वास्ते मैं अर्ज करदे आ, समझण दा विशा है परमात्मा, सुनन दा विशा है गुरु, वेखण दा विशा है संसार। कुछ कहंदे ने नहीं देखिया संसार तो चलो ना सही। घाट उदों शुरू होंदी है जिंदगी दे, रुकावटां उदों खड़ियां होंदियां ने जद गुरु नू सुनिया नहीं ते परमात्मा नू समझिया नहीं। एक घाट है बहुत वड्डी, नहीं देखिया संसार ते ना सही। एक सूरदास भगत होया जिदी रचना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च वी है, सारंग राग दे च, भावे इको ही पंक्ति है। अंधा सी, संसार नू वेखण दे ते सफल नहीं होया, निरंकार नू समझण दे सफल हो गया। संसार नू वेखण दे ते सफल नहीं सी, शरीर दे च अखां ही नहीं सन, पर गुरु नू सुनन दे च सफल हो गया। गुरु अर्जन देव जी नू सुन के निहाल निहाल हो गया, बाग बाग हो गया, परमात्मा नू समझण दे समर्थ हो गया। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रेंदी दुनिया तक इस नू अमर कर दिता। इस दी पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, ये पंक्ति भगत सूरदास दी है। इस प्रसंग नू, इस इतिहास नू इस वक्त थोड़े सामने रखण दा मेरा मुद्दा नहीं है। परमात्मा दे तीन रूप ने, वो अस्थूल रूप दे संसार है, वो सूक्ष्म रूप दे गुरु है, वो अति सूक्ष्म रूप दे परमात्मा है। उसनु इस तरह समझो, वो आकार दे रूप दे संसार है, वो शब्द दे रूप दे गुरु है, वो ज्ञान दे रूप दे भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, प्रकाश दे रूप दे। समझ नहीं तो परमात्मा नहीं है, स्रोत नहीं तो गुरु नहीं है, स्रोत सुरत। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, सुरत शब्द दे तीन अर्थ बनदे ने शब्द दी चाल दे मुताबिक। ये मनुख बहुत गहरा स्रोत है, सुरत दे च है, सुन रहे है। सुरत दा मतलब सुनना, सुरत दा मतलब सुनना, सुरत दा मतलब समझना, और सुरत दा मतलब जुड़ना। शब्द इको ही है, अर्थ तीन ने। इथे सुरत दे च है, सुन रहे है, इनू सुरत आ गई है, समझ आ गई है, इहदी सुरत जुड़ गई है, इहदा ध्यान जुड़ गया है। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, शब्द इको ही है। सुरत जो स्रोता नहीं, सुन नहीं रहा, तो समझ किथे? फिर समझ किथे? इस सुरत दे च है, सुन रहे है, इनू सुरत आ गई है, समझ आ गई है, इहदी सुरत जुड़ गई है, इहदा ध्यान जुड़ गया है, इह लीन हो गया है, इह परमात्मा दा रूप हो गया है, इहदे च अनुभव पैदा हो गया है। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। तो जिथे सुनना ही कोई नहीं उथे समझना किथे? जिथे समझना ही कोई नहीं उथे उसका रूप होना किथे हो सकता है? लीनता किथे हो सकती? तो गुरु सुनन दा विषय है ते परमात्मा जुड़न दा विषय है, परमात्मा होण दा विषय है। अगर कोई सुन नहीं सकेगा तो जुड़ेगा की खाक, किस तरह जुड़ेगा? नहीं कुछ विखाई देंदा ते ना सही गुरु वेखण दा विषय ही नहीं है, नहीं कुछ विखाई देंदा ते ना सही परमात्मा वेखण दा विषय ही नहीं है।
पर जे सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो गुरु भी कोई नहीं, परमात्मा भी कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। दो शब्द होर भी बर्दाश्त कर लेना, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, मैनू इतना ते हुण नहीं पता आपका हाजमा कितना क है। अगर 1000 सतसंगियां दा इकट्ठ होवे तो जिथे मेरा अंदाजा है 10 स्रोतियां तो ज्यादा नहीं हो सकते, 10 सिर्फ 10 1000। ओ जेरे 10 स्रोते ने फिर ओ 1000 इकट्ठे करिए, उन्हां च कोई एक होवेगा जिन्हों समझ आ गई। गिनती कोई बहुत ज्यादा नहीं, ज्यों ज्यों उपर जाओगे ना जगह थोड़ी आंदी जा रही, जमीन ते जगह बढ़ी है, पर ज्यों ज्यों पहाड़ ते चढ़ो ते शिखर ते पहुंचो जगह घटती जा रही है। उच्चे मनुख हमेशा ही थोड़े ने जिन्हां दी सुरत उपर उठ गई है, जिन्हां दी सुरत जुड़ गई है, ते जिन्हां नूं सुरत आ गई है इन्हां दी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैनू ते महात्मा बुद्ध एक सूत्र चेते आ रहे है, उन्हें अपने चचेरे भरा आनंद स्वामी नो उदा चेला बन गया सी, पावे वड्डा भरा सी, चचेरा भरा सी, पर उम्र देश भी वड्डा सी, पर शिष बन गया सी, शागिर्द बन गया सी। उस दे एक प्रश्न दे उत्तर दे च महात्मा बुद्ध कहंदे ने, आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। सूत्र बहुत वड्डे विस्तारित गल नूं किधरे एक लाइन दे च कह देना नूं कहंदे ने सूत्र। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी, कोई भीड़ नहीं आउंदी। कल ही मैनू कोई कह रहा सी, मरी डायना लखां दी भीड़ कठी हो गई, लखां दी। तो मैं कह जो जिया दी डायना हो गई उस तो कोई उच्चे थोड़ी होणगे जिहड़ी भीड़ कठी हुई, उस तरह की होगी और कोई खास थोड़ी हो सकती। इत कोटन में नानको नारायण जय चीत, बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आते। मैं भारत देश देखना एक फिल्मी एक्टर किधरे आ जाता है हजारां दी भीड़, एक राजनीतिक बोलना चाहता है लखां ही सुनन वास्ते आ जाते ने, वो बोलता है बिल्कुल मूर्खता दे नाल भरियां होईयां गल्लां, ते मूर्खता दे नाल भरियां होईयां गल्लां कोई मोड़ ही सुनेगा और कौन सुनेगा और किसने सुनना है। बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आते, चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आती। और मैर्ज करा गुरबाणी जैसे जैसे शिखर ते लै जांदी है, इस शिखर दे तल ते मनुख लभोगे तो टावा टावा। कोटन में नानको नारायण जय जीत। तो इस वक्त मैं थोड़े सामने एक रूप रखा इसी छंद दा जो आरंभी थों दा है, अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है, जिस दियां मद दियां पंक्तियां ने, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, उंज ते एक एक छंद महान है, एक एक छंद अजीम है। लेकिन इस एक छंद नूं मैं इंज चुनिया या इंज कह लो, मैनू जरा इस नूं बयान करना सौखा लगता है, बाकियां नूं जरा औखा लगता है, इंज कह लो। और अखीरलियां पंक्तियां ने इस दियां अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। इन आखरी चार पंक्तियां दे चो इस वक्त मैं लेना बाकी कल। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। इसे अर्थ इत्थों लईए, निधान है, निधान खजाना है, तू ते खजाना है, किस चीज दा? एक गल रमस दे च आख दिती गई, ये खोलनी आप पाएगी, निधान है तू, खजाना है, किस चीज दा खजाना है? कहिंदन प्रकृति भी सानू बहुत कुछ देंदी है, पर रमस दे च जैसे फल छिलकियां दे च लपेट के देंदी है, केला है छिलका है, संतरा है ऊपर छिलके ने, अखरोट है, बादाम है छिलके, ऐसी तोड़ के
छिलकियां नूं परे सुटदे आं ते विच्चों गिरी कढ लैंदे आं। पर हुण प्रकृति नूं आखीए, जद खाणी असीं गिरी है ते खामा खा साडा तूं कम वधाया, इन्ने छिलके सानूं उतारने पैंदे ने, ये अखरोट तोड़ने पैंदे ने, बदाम तोड़ने पैंदे, तूं सिधियां ही गिरियां दे। ये प्रकृति ऐसा क्यों करदी है? प्रकृति भी कीमती चीज, कोमल चीज छुपा के देंदी है, रमज देख देंदी है, रहस देख देंदी है। खोलना पैंदा है, उघाड़ना पैंदा है। परमात्मा दी भी जितनी गहरी गल होवेगी, गंभीर गल होवेगी, महापुरुष अवतार गुरु पीर पैगंबर रमज देख कहंदे ने, लपेट के कहंदे ने, ढक के कहंदे ने, निरे एवें नहीं के सुट देंगे। निधान है तो खजाना है। तो फिर भारत दे ऋषि मुनिया ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देखे, तू किस चीज का खजाना है? तू सुहपन का खजाना है। सारा नूर, सारा सुहपन तैथों ही आमदा है। तू शक्ति का सोमा है, शक्ति का खजाना है। कोई भी शक्ति तैथों ही आमदी है, और किधरों भी नहीं। और तू चेतना का, ज्ञान का खजाना है। सारा ज्ञान तैथों ही आउंदा है, और किधरों ही नहीं। निधान है सत सुहाण सदा मन चाओ, तू सत है। यही मैं थोड़े सामने किसी वक्त बयान करांगा, अज ते थोड़ी जी ही सेवा करनी है। सत, सत दे मुकाबले शब्द है मिथ। सत दा मतलब है, मिथ दा मतलब है नहीं है, नहीं है। तो जे नहीं है तो फिर मिथ लिखण दी क्यों लोड़ पै गई? मिथ्या, मिथ, मिथ है। कहंदे ने इस नूं इंज बयान करना पैंदा, नहीं है शायद है, है शायद नहीं है, मिथ है। इनू अनर्वचनी कहने दा खुलासा। फिर तू सत है, है है दी हालत विच जगत विच कुछ भी नहीं है, सिवाय परमात्मा तो बिना है शब्द किसे ते भी नहीं लगता। सब कुछ हो रहा है, है नहीं। असी जो सवेरे सी हुण नहीं आ, असी एक मिनट जो पहले सी हुण नहीं आ, असी हुण जो हां एक मिनट बाद ए नहीं आवांगे। पल पल दे शरीर बदल रहे है। कोई बच्चा एक दिन विच जवान नहीं आउंदा, रोज हो रहा है। कोई जवान एक दिन विच बुढ़ा नहीं हो जांदा, रोज हो रहा है। ते कोई बुढ़ा एक दिन विच नहीं मरदा, रोज मर रहा है, हो रहा है, हो रहा है। देख के कह सकते हैं जवान हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, मर रहा है। है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, बहाव है। तिश्ते होए लख दरियाओ, सब कुछ बह रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं है, हो रहा है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, पकड़ दे चाह जाएगी गल। है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय परमात्मा तो बिना है शब्द, सत शब्द और किसी ते भी लागू नहीं आता। कोई है सो है, सत दा मतलब है। आद सच, जुगाद सच, ऐ भी सच, नानक होसी भी सच। जदे सब कुछ नहीं सी, वो है सी, वो है सी। ये जुग नहीं सन, वो है सी। ये सब कुछ नहीं हो जाएगा, वो होवेगा, वो है, वो है। है दी हालत विच केवल परमात्मा है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब मिथ है, वो सत्य है। जैसे एक बच्चा 5 साल का है, ते आज दा दिन गुजरिया, ते मां कहंदी है एक दिन वड्डा हो गया, एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहंदे ने नापण दा एक होर ढंग भी है, एक दिन छोटा हो गया। अगर ये 70 साल दी उम्र लेके आया है, तो एक दिन अज दा लंघिया तो घट गया के वध गया? मां दी ममता दी दृष्टि, मां दा ममता दा नापण दा पैमाना, एक दिन मेरा बच्चा वड्डा हो गया। कबीर दा ज्ञान दा नापण दा पैमाना, ऐ मां एक दिन छोटा हो गया, घट गया। जननी जानत है
सुत बड़ा होत है इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। इत घट रहे कोई बच्चा एक दिन दे जवान होंदा है रोज हो रहे, कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा होंदा है रोज हो रहे, ते कोई बुढ़ा एक दिन दे मर जांदा है रोज मर रहे है, रोज मर रहे है। मनुख रोज मर रहे है। असी जो सवेरे सी हुण नहीं आ, असी जो हुण हां कल नहीं होवांगे, कुछ होर हो जावांगे। शरीर इतने सूक्ष्म रूप विच बदलदा है, बदल रहा है नहीं दिखाई देंदा। मन इतने सूक्ष्म रूप विच बदल रहा है नहीं दिखाई देंदा। बचपन दे जो साडा मन सी ओ अज थोड़ी है, बचपन दी गल छड्डो, कल जो साडा मन सी ओ अज नहीं है, अज ते कल दी गल छड्डो, सवेरे जो साडा मन सी हुण नहीं है। ए वी मैरस करदे आ, ते पल पल विच बदलदा है, छिन छिन विच बदलदा है, बहाव है। तू निधान है, खजाना है, हे परमात्मा तू खजाना है। किस दा? सत दा, सुहाण सुहप्पण दा, सदा मन चाओ चेतना दा, शक्ति दा, जागृति दा। तू ते खजाना है, पर खजाना होंदे होया अमान है, तेनू माण नहीं है। अपनी होंद दा तेनू माण नहीं है, अपने सुहप्पण दा तेनू माण नहीं है, अपनी शक्ति दा तेनू माण नहीं है। तू कतई नहीं कहिंदा कि मेरी है ये शक्ति है, मेरा ये स्वप्न है, मेरी ये होंद है, ऐसा तू कतई नहीं प्रगट करता, ऐसा तू कहिंदा ही नहीं। तू ते गुप्त, बिल्कुल गुप्त, तू ते निराकार, बिल्कुल गुप्त। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तू जो एक है निरंकार है, तू जो अनेक है संसार है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे बोल, तू एक रूप देच निरंकार है, तू अनेकता देच संसार है, अनेक है फिर एक है। तू संसार है, तू निरंकार है, तू निरंकार है, तू संसार है, ऐसा क्यों? वो एक होंदा होया अनेक क्यों है? वो एक है पर संसार विच एक कुछ भी नहीं है, संसार ते अनेकता ते खड़ा है। दूर क्यों जाओ, आप इतने सारे बैठे हो, एक जैसा दूसरा नहीं है। ते किसे एक चीज दा भी ना लो ना तो मुखालफत, मुखालफ दूसरी चीज खड़ी है। तुसी ए आखो फलाना बड़ा सुंदर है तो कोई करूप भी है, तुसी आखो फलाना बड़ा धनवान है तो कोई निर्धन भी है, तुसी ए आखो फलाना ते बड़ा ताकतवर है तो कोई कमजोर भी है, तुसी आखो ओ पुरुष है तो फिर कोई स्त्री भी है, तुसी आखो जवान है तो फिर कोई बुढ़ा भी है, तुसी इतना आखो फलाना बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है तो कोई सियाणा भी है। तुसी एक दा ना लो दूजा खड़ा है, आखो दिन है तो फिर रात भी है, आखो बड़ा सुंदर फुल है तो बड़े कुरख्त कंडे भी है गए, बड़ा हास है बड़ा हस रहा है, बड़े रोने ने कोई रो रहा है, बड़िया खुशियां ने बड़िया खुशियां ने खुश हो रहा है, बड़े दुख ने कोई रो रहा है। सिर्फ हासे थोड़ी ने, तुसी एक चीज दा ना नहीं ले सकते संसार दे तल ते, एक है ही नहीं, अनेकता है। तुसी कुछ भी लो, किसी भी चीज दा ना लो, आखो बहुत चिट्टा है सफेद है तो फिर कोई बहुत काला है, बहुत काला है। एक दा ही ना लो दूसरा खड़ा है, बहुत छोटा है बहुत छोटा है, बहुत वड्डा है बहुत वड्डा है, बहुत करूप है बहुत करूप है, वो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। एक दा ना लो दूजा खड़ा है, एक दी मुखालफत दे जो दूसरा खड़ा है, इसनु कहंदे ने संसार। संसार विच एक नहीं है, दो है, संसार दो ते खड़ा है। इस वास्ते कहंदे ने संसार ही ओ जो दुबदा विच है, एक दी लालसा रखदा है ते एक दा भय रखदा है। संसारी, संसारी दी पहचान
जीवन दी लालसा रखदा है, मौत तो डरदा है। जवानी दी लालसा रखदा है, बुढ़ेपे तो डरदा है। मरदे दम तक भी जीवन दी लालसा रखदा है और मर के भी मौत नू कबूल नहीं करदा। पर कौन दसे संसार ते दो रंगी है, ते संसारी दो रंगां दे च जीवदा है। एक दी लालसा रखदा है, एक दा भय रखदा है।